नमस्कार, मैं संजय अंबेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े चर्चित चेहरे बने हुए हैं ओम प्रकाश राजभर। लगातार मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं वो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, चाहे सपा से गठबंधन को लेकर। अभी कल उनका एक बड़ा बयान आया है सपा से गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा कि सपा से गठबंधन टूटता है तो बसपा के साथ जाऊंगा। हालांकि आपको याद दिला दूं कि लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जब जब बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को जिताती रहेगी तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। यकीन नहीं है तो वीडियो देखिए। रामपुर और आजमगढ़ वो आपकी यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, अगर यहाँ पर अगर आप लोग हार गए तो 24 में क्या करेंगे? कि बहुजन समाज पार्टी जब जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद जब सुभाषपा से सपा का गठबंधन था तब ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब जब बीजेपी को जिताने का काम करेगी तब तब बीजेपी जीतेगी। कि बहुजन समाज पार्टी जब जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। और हालांकि आपको बता दें कि कल का बड़ा बयान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं कि सपा से गठबंधन टूटता है तो बसपा के साथ जाऊंगा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का दोहरा चरित्र 20 दिन में ही सामने आ गया। 27 जून को कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम बसपा है, और आपको बता दें कि बसपा से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं और बसपा में जाने की बात ओम प्रकाश राजभर खुद कर रहे हैं। यकीन नहीं है तो वीडियो खुद देखिए। देखिए, हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं। अखिलेश जी जिस दिन कह दें कि भैया आपकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है आपकी पार्टी की, तो फिर देखेंगे। मायावती जी है ये हैं तो फिर बतियाएंगे। बसपा के साथ भी जा सकते हैं आप? क्यों नहीं जा सकते, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 3-4 बार सत्ता में रही है पार्टी, उसके साथ क्यों नहीं जा सकते हैं? बसपा भी तो सक्रिय नहीं दिख रही है, जैसे आप आरोप लगाए थे अखिलेश यादव पे कि वो एसी में बैठे हैं, बसपा भी तो कहीं दिख नहीं रही है इस समय। वोट है ना उसका, तो एक्यूरेट वोट है ना। कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जहां उसका 1.5 लाख 1.25 लाख 2 लाख व्यक्तिगत उसका वोट है उस पार्टी का, उसी में हम लोग मिला देंगे अपना, तो जुगाड़ सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये वाला भी वीडियो देखा होगा कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर पत्रकार को बयान देते हुए कह रहे हैं कि सपा ने इनकारा तो मायावती है ही है। आपको बता दें कि जो आपने पहला वाला वीडियो देखा था वो 27 जून 2020 का है, ये वाला वीडियो कल का है 17 जुलाई 2020 का। महज 20 दिन में ओम प्रकाश राजभर का दोहरा चरित्र सामने आ गया। पत्रकार ने सपा से गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा तो राजभर ने कहा कि हम सपा से गठबंधन में ही हैं, लेकिन जिस दिन अखिलेश जी कह देंगे कि भैया अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, तब देखेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती तो है ही हैं, तो फिर देखेंगे, मायावती जी है ये हैं। पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप बसपा में जा सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया क्यों नहीं जा सकते भाई, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 3-4 बार सत्ता में रही है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसा कोई पार्लियामेंट नहीं है जहां बसपा का 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख वोट ना हो। क्यों नहीं जा सकते, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 3-4 बार सत्ता में रही है पार्टी, उसके साथ क्यों नहीं जा सकते हैं? बसपा भी तो सक्रिय नहीं दिख रही है, जैसे आप आरोप लगाए थे अखिलेश यादव पे कि वो एसी में बैठे हैं, बसपा भी तो कहीं दिख नहीं रही है इस समय। वोट है ना उसका, तो एक्यूरेट वोट है ना। कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जहां उसका 1.5 लाख 1.25 लाख 2 लाख व्यक्तिगत उसका वोट है उस पार्टी का। ऐसे दोहरे चरित्र पर, ओम प्रकाश राजभर के दोहरे चरित्र पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमसे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमसे जुड़िए।